हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की बैठक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परौर में संपन्न हुई। बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष पृथ्वी सेन राणा ने नेट ट्रांसफर एक्ट को रद्द करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी अगर ट्रांसफर एक्ट बने तो इसे सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाएगा। धर्मशाला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक परौर में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष पृथ्वी सिंह राणा ने की। बैठक में राज्य सह अध्यक्ष सुभाष पठानिया व नरेंद्र पठानिया भी उपस्थित रहे। स्टेट सह अध्यक्ष सुभाष पठानिया ने कहा कि अगर 2008 में शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों की पेंशन बहाल हो सकती है तो 2003 के बाद के कर्मचारियों की पेंशन क्यों बहाल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन को बंद कर न्यू पेंशन स्कीम को लॉन्च कर कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और अब आर्थिक बोझ का हवाला देकर अहितकारी स्कीम को लागू करने में सरकारें अपनी असमर्थता जता रही है। संघ ने पूछा कि जब सांसदों के भत्तों में कई गुना वृद्धि की गई तब आर्थिक बोझ नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर पेंशन बहाल करना मुश्किल है तो समानता के अधिकार की रक्षा करते हुए एक ही प्रणाली लागू की जाए। एनपीएस जो एक ऐसा नासूर बन गया है एक कर्मचारी के लिए आज की डेट में कि अपनी रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी जो है अपना बसर करने में भी बहुत मुश्किल हो जाएगी उसको। तो ये एनपीएस स्कीम जो है जैसे सेंट्रल की स्कीम प्रदेश बोलता सेंट्रल स्कीम है लेकिन सेंट्रल का कहना ये है कि प्रदेश सरकार भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकती है। हम चाह रहे हैं जब ये 2003 से लागू की गई किए हैं इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर करके उसमें जैसे कि हमारे उदाहरण के तौर पे हमारा एजुकेशन बोर्ड उसमें 2008 से पेंशन लागू की गई शिक्षा बोर्ड के अंदर तो ये स्कीम हमारे कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं दे सकती है। हम चाहते हैं कि जो नो रिटेंशन पॉलिसी जो है अगर हमारे जो एलिमेंट्री के जो बच्चे हैं विद्यार्थी हैं उनको फेल नहीं करना है और RTE में ऐसा था लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट करके उसमें फेल करने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि बच्चा उसमें और इम्प्रूव करे तो न्यू पेंशन स्कीम में क्यों नहीं हो सकता है, इसको पिछली ओल्ड स्कीम में क्यों नहीं लाया जा सकता है। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।